आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम नगर संग्राम में। निकाय की जंग काफी दिलचस्प हो चुकी है। प्रथम चरण के चुनाव संपन्न हो गए हैं, वहीं दूसरे चरण के लिए वोटिंग परसों यानी 11 मई को होने वाला है। दूसरे चरण में कानपुर में भी मतदान होना है, ऐसे में यहाँ के प्रत्याशी भी पूरा दम छोड़कर चुनाव जीतने की जुगत में दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में वार्ड नंबर 50 पनकी के बसपा पार्षद प्रत्याशी सुनीता पाल और अनिल पाल ने भव्य जुलूस निकाला। बसपा कोऑर्डिनेटर अनिल पाल ने जनता से चुनाव में समर्थन देने की बात भी कही। अनिल पाल ने बताया कि अगर वह जीते हैं तो क्षेत्र में सभी परेशानियों से हमेशा के लिए दूर कर देंगे। जनता के हित में वो कार्य करेंगे जो कि अभी तक किसी ने नहीं करवाए होंगे। प्रत्याशी ने बताया कि जनता का काफी समर्थन हमें मिल रहा है और क्षेत्र की जनता हमारे साथ है। जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, लोगों की समस्याएं वार्ड नंबर 50 में बहुत है। लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि लोग अपने प्रतिनिधि से मिलने के लिए उनको कोई ना कोई सहारा ढूंढना पड़ता था। मैं जनता के बीच में जाता हूँ, जनता मुझको बहुत स्नेह प्यार दे रही है और जनता भरोसा दे रही है, मेरा वोटर भरोसा दे रहा है कि अब की बार वार्ड 50 में सुनीता पाल को पार्षद बनाना है, जो हमारी पत्नी है। और मैं पूरे वार्ड में गली गली जाकर मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि इस वार्ड में जो भी समस्याएं होंगी, नाली, खड़ंजा, सीवर, सफाई, या यदि इससे ऊपर कोई समस्या होती है, उच्च अधिकारी के पास जाना है, तो मैं अपनी जनता के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उच्च अधिकारी के पास अपनी समस्या रखूंगा। सत्ता दल के पार्षद थे और साथ ही सपा के दूसरे पार्टी के नेता हैं, किस तरीके से आप इनको देखते हैं? सत्ता दल के पार्षद होना एक अच्छी बात है, मगर पब्लिक से कनेक्टिविटी हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक जब जिताती है तो अपना कुछ न कुछ विश्वास देकर ही जिताती है। मैं पूरा सोच के बैठा हूँ, अगर पब्लिक हमको समर्थन देती है, मैं जीतता हूँ, पब्लिक को कभी मैं निराश नहीं करूंगा। नगर संग्राम में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।